जब ज्योति यहाँ पे नहीं थी ना, तो तब ये लाइट्स ऑर्डर की थी मैंने. बेसिकली दीज आर सॉफ्ट बॉक्सेस दैट आई ऑर्डर. तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है आ गया है. इट विल लुक समवॉट लाइक दिस, ये जो फोटो बनी हुई ना, बट इसके ऊपर कवर भी होगा प्रॉपर, जिससे सॉफ्ट बॉक्सेस के ऊपर कवर होता है. स्टैंड आने बाकी, वो आज डिलीवर होने वाले हैं. तो बेसिकली ये मैंने अलग अलग निकाल के रख लिए हैं सारे कॉम्पोनेंट्स. तो ये इस लाइट के कॉम्पोनेंट्स हैं सारे, ये सब जुड़ेंगे जुड़ेंगे जुड़ेंगे, ये एक एक हो जाएंगे. और ये दूसरी वाली लाइट है, दो सॉफ्ट बॉक्सेस मंगा लिए थे. पूरा सेटअप कर देंगे एकदम अच्छे से लाइट्स का. इसको करने के बाद देखते हैं भाई कि कैसा लग रहा है, लाइट वाइट कितनी अच्छी आ रही है, कैसी आ रही है स्टूडियो के अंदर. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड क्या बोलते थे हम, क्या बोलता था मैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड वेलकम बैक टू द चैनल. माय नेम इज़ कमलजीत राणा. और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. और अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच. तो आइए शुरू करते हैं असेंबलिंग ऑफ सॉफ्ट बॉक्सेस. ज्योति मेड एन ऑमलेट फॉर मी और मेरे को ना सरप्राइज दिया उसने. इसके अंदर ना वेजेस डाल दिए उसने मस्त तरीके से, चीज़ और वेजेस. बताता बताता भी मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है. ज्योति थैंक यू. व्हाट्स अप गाइस. तो लाइट्स वाइज असेंबल करके बहुत अच्छी लग रही है. अब मैं जा रहा हूँ एटीएम, पहले तो कैश निकलवाऊंगा. मेड की सैलरी देनी है, 5 तारीख हो गई उनकी सैलरी का टाइम हो गया. सो टू गिव देम द सैलरी एंड देन आई हैव टू गो गिव द कार इन द गैराज. उसकी सर्विसिंग का टाइम आ गया, कार की सर्विसिंग प्लस कार के ना वाइपर थोड़े ख़राब हो गए. आप लोगों ने एक ब्लॉग में देखा भी होगा, जब मैं ज्योति को पिक करने गया था तो एक वाइपर ठीक से काम नहीं कर रहे थे. तो वाइपर की रबर चेंज कराई मैंने, लेकिन अब क्या हो गया, वाइपर की मोटर आई थिंक ख़राब हो गई है, तो उसको चेंज कराना है. बहुत गर्मी हो गई है वापस से, पता नहीं कहाँ चले गए मानसून जो थोड़े बहुत आए थे ना, पता नहीं कहाँ चले गए हैं. गैराज वाले हैं क्या? हाँ, गैराज उधर शिफ्ट हुआ है. किधर? ये लाइन में आगे काला है ना, वो तीन चार दुकानें जो साथ साथ, तीन चार दुकानें जहाँ एंड होता है ना, उसके बाजू से कच्चा रास्ता है उधर. ओके, तो गाड़ी जाएगी ना अंदर? गाड़ी जाती है ना? गाड़ी जाती है अंदर. ठीक, गैराज यहाँ से शिफ्ट हो गया है, बिल्कुल घर के पास ही है. तो ये पीछे की तरफ है, उधर चलते हैं. भैया मिल गया, अच्छा आदमी मिल गया. ये अपनी कार है, तो ये भैया है. तो भैया सर्विसिंग करनी है, और प्लस ये मेरा जो वाइपर है ये ख़राब हो गया. ठीक है, एक तो मेन दिक्कत तो यही है, बाकी सर्विसिंग तो करनी है गाड़ी की. हाँ वही जो भी सर्विसिंग में नॉर्मली होता है. अभी सर्विसिंग में क्या होता है, ऑयल, एयर फिल्टर, ब्रेक क्लीनिंग आता है. बुला लो सर्विसिंग. भैया चला के अब देखेंगे कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ें ठीक होनी है, उसके हिसाब से फिर भैया बताएंगे क्या करना है आगे. एसी चला लेते हैं. वैक्यूम वगैरह सब मारेंगे ना गाड़ी के अंदर, है? सब होएगा वैक्यूम पे. क्या खर्चा है नॉर्मली? पैड सर्विस पे आएगा आपको 5 तक आएगा. पैड सर्विस में क्या रहता है, उसमें चारों टायर आएगा, चारों ब्रेक क्लीनिंग, ऑयल फिल्टर, ऑयल डीजल फिल्टर चेक होएगा, और वाइपर वगैरह का चेक. तो वाइपर मोड हो गया है लिंक के, और बल्ब सब चेक होएगा चारों तरफ का. खाली वाइपर का आपको एक्स्ट्रा आ जाएगा. अच्छा, पूरा वाइप, ये वैक्यूम क्लीन करोगे इसको, पूरा साफ करोगे बढ़िया से, शैम्पू वॉश करोगे? शैम्पू वॉश. भाई साहब इतनी भयंकर गर्मी है, इतनी भयंकर गर्मी है कि पूछो मत. पसीने से तर तर हो गया हूँ मैं, तर तर. बट द गुड थिंग इज बिल्कुल घर से बाहर निकलते ही ये वर्कशॉप है, तो इधर दे दी गाड़ी. अब ही कॉल मी एंड टेल मी कि भाई जो भी क्या क्या चीज़ होनी है गाड़ी के अंदर. अभी के लिए घर चलते हैं. हूँ आप आ गए हैं राशन लेने वास्ते. अच्छा बोल, नेक्स्ट चीज़ नहीं, चीज़ नहीं बोला मैंने, चीज़ बोला तूने, बोला नेक्स्ट चीज़ बोल. बिन बैग, सॉसेज, पेडिग्री, कॉफी एंड टी. एक एक करके बोल कमल. एक एक पीछे का पेडिग्री, एक एक कॉफी, एक एक टी. हाँ कॉफी टी ले लो, और पेडिग्री. पेडिग्री ऊपर है, छोटे सबसे छोटे सैशेज. सैशेज का 10 रुपीज वाले ही. नहीं नहीं, इसमें छोटा है. नहीं, वो नहीं. 2 रुपए वाली वाला नहीं आता. पैन में एक पूरा सैशे डाल दो, हो गया.
आपके पास वो नहीं है छोटे वाले 1 रुपए वाले 2 रुपए वाले आते हैं जो, तो ये ले ले, थोड़ा सा पाउडर डालेंगे अंदाजे से। बॉटल ले ले, तो फिर वहीं से ले लेंगे, छोड़ो फिर आ जाओ। नेक्स्ट टी कॉफी, टी तो ले लो, चाय तो ले लो। कौन सी लेते हैं हम? लेते हैं टाटा टी लेते हैं बेटा। प्रीमियम? हाँ प्रीमियम। तुम प्रीमियम मेंबर हो गोल्ड मेंबर हो? मैं इस वक्त तांबा मेंबर हो रखी हूं। तांबा नहीं, तांबा लेनी है तो फिर बाग बकरी। टी कॉफी, अब पेडिग्री लेनी, ऊपर से ऊपर मिलेगी पेडिग्री। मेरे को मत डालियो, मैं बता रही हूं। क्यों नहीं डालूं? मेरे को तो डाल देती। यू लुकिंग सो हैंडसम, सॉरी ब्यूटीफुल, सॉरी ब्यूटीफुल, यू लुक सो ब्यूटीफुल नॉट हैंडसम। हां नेक्स्ट बोल जल्दी, नेक्स्ट बोल। पेडिग्री बेटा, पेडिग्री किधर है? पेडिग्री ऊपर है, ऊपर। हाय हाय, जा ऊपर जाके। चल सोनू ऊपर चले, चल ना सोनू। सोनू क्यों हैंडसम बोल रहा है तेरे को? मैं तो सोनू बोल रहा हूं तेरे को। चल चल, सर्विसिंग वाले भैया का फोन आ गया था। एंड नाउ मी एंड ज्योति, ज्योति हैज जस्ट फिनिश्ड हर वर्कआउट एंड शी इज फीलिंग रियली गुड। हम लोग जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। फिर मुझे मम्मी ने रिंग मार दी। हाँ तो हम लोग जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, देखते हैं उन्होंने सारा काम करा कि नहीं। क्या? ज्योति की मम्मी यानी मेरी सासू माँ का फोन। पहले तो मुझे वो दरवाजा चेक करना। कौन सा? उधर वाला। हाँ वो हो गया थी, मैंने उसे दिमाग खराब कर दिया था। तो सफाई हो गई है गाड़ी की एकदम। वाह, एक दो छोटे छोटे बाल तो बच गए, पर कोई नहीं है ना, मस्त साफ हो गई। ये बहुत गंदे हो गए थे, पूरा एरिया साफ कर दिया। ये नहीं की साफ? क्या? ये नहीं किया साफ? वैक्यूम किया है उसमें, सामान किधर रखूं फिर समझा के ऑफिस में रख दिया वो। पर वैसे किया ना सब हटा के? वैक्यूम किया है, हटा के किया ना। हां हां, ओ बाल पड़े हैं भैया सारे, वो देखो कितने बाल पड़े हैं। नहीं किया वैक्यूम आपने? दो मिनट। ये तुम्हारी देन है ये, ऐसे ऐसे गाड़ी ठीक हो गई है, चलते हैं ड्राइव पे, चलते हैं मैगी खा के आते हैं। भाई का अलग सीन हो जाता है अपने अपने वालों में। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स टाइम होता है, वो बहुत मजाक कर रही है। बट एनीवेज वी आर वेरी सॉर्टेड नाउ, द कार वर्क इज डन। एक दो छोटी मोटी चीजें वो कर रहा था। I'll just check the wipers now. क्या मस्त लग रही है ये चीज। रखवाना है ना अपने को? ये पीछे का है ना? टायर भी रखना। हाँ हाँ, मेरे दो कुत्ते हैं ना, ज्यादा नहीं बैठते, एक बार बैठते लेकिन इतनी बाल करके जाते क्या बताऊँ। अच्छा फिर उसको चिपकेंगे नहीं। रेडी अपनी मस्त तो हो गई है, लेकिन अब चप्पा पैर ना ऐसे 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 झाड़ के फिर बैठना है, गंदी पैर लेके ना बैठना। मैं तो डिसाइड कर लिया, मैं तो चप्पल उतार के तेरे बैग में रख दूंगा फिर बैठ। बिल्कुल ना गंदी है। और नहा के बैठूंगा गाड़ी में। हाँ मैं यहीं पे नहा लेते हैं ना। एक्चुअली गाड़ी बहुत महीनों बाद साफ हुई है, सर्विसिंग हुई है इसकी। अरे कोविड के टाइम में किसको बुलाते हैं? हाँ, और हमारी गाड़ी थोड़ी ज्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि अगर एटम मिस्टी जरा सा एक बार भी बैठ जाए ना तो फिर बस गया। बस बेटे देखो वो बंद कर देता है। बस